हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रंजन रॉय और आप देख रहे टॉप इन फैक्ट्स। गाइस, आज हम बात करेंगे रोडीज रेवोल्यूशन सीजन 18 के तीसरे ऑडिशन में प्रतिभा सिंह के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिभा सिंह पिछले साल ही रोडीज में आ चुकी है, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है। प्रतिभा के एंट्री के साथ ही नेहा दुबिया उनको हैंड रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि प्रतिभा पहले से फिट होकर आई है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल नेहा दुबिया ने उनको हैंड रेसलिंग में हरा दिया था। अब हुआ क्या, इस बार प्रतिभा ने नेहा दुबिया को काफ़ी आसानी से हैंड रेसलिंग में हरा दिया। और कैसे ना हराती वो नेहा दुबिया को, पिछले एक साल में उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है। हाल ही में प्रतिभा जुजुत्सु में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल कर आई है। उनका वर्ल्ड में 9th रैंक आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब सवाल ये आता है कि अगर आपकी लाइफ में इतना अच्छा कुछ चल रहा है, आप इतना कुछ कर रहे हो, तो रोडीज में आने का आपका क्या मकसद है? क्या चाहती है आप रोडीज के मन से? प्रतिभा ने साफ बता दिया कि वो यहाँ रोडीज के मन से वुमेन सेफ्टी को लेकर रेगुलेशन लाना चाहती है। सेल्फ डिफेंस को लेकर उन्होंने प्रिंस नरुला और शोएब के ऊपर कुछ डेमो भी करके दिखाया। वो चाहती है कि इंडिया के सारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ये जो सेक्स एडुकेशन हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। स्कूल से ही हमें ये सब सिखाया जाना चाहिए, ताकि हमें इन सब का नॉलेज बचपन से ही हो। लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश में जब जब एडुकेशन की बात उठती है, तब तब खड़ा हो जाता है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। क्या इस देश का एडुकेशन सही है? अगर सही है तो हमारा देश एडुकेशन के मामले में इतना पीछे क्यों है? खैर, एडुकेशन को लेकर हम एक नया वीडियो बना रहे हैं, उसे जरूर देखें। अभी तक के लिए बस इतना ही। ऑडिशन राउंड में प्रतिभा सिंह सेलेक्ट हो चुकी है, मिलते हैं इनसे कलिंग राउंड में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।